अब हम डिस्कस करेंगे माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेस की यूनिट नंबर थर्ड। थर्ड यूनिट में हम सारी चीज़ें रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शन सेट हमने 8085 का पढ़ा था उसके रिगार्डिंग जितनी भी 74 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कवर की हैं उन इंस्ट्रक्शन सेट्स को कंप्लीट एक एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगता है, क्या इंस्ट्रक्शन साइकिल है, क्या मशीन साइकिल है, अगर हमें इंस्ट्रक्शन साइकिल मशीन साइकिल कितनी टी स्टेट्स कंप्लीट हो रही हैं उन टी स्टेट्स के बारे में ज्ञान होगा तो हम निकाल सकते हैं कि कितना टाइम हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन एनी इंस्ट्रक्शन। सो लेट अस इंट्रोडक्शन पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ द प्रोग्रामिंग टेक्निक्स इंडेक्सिंग काउंटिंग ब्रांचिंग आर डिस्कस इन प्रीवियस चैप्टर। माइक्रोप्रोसेसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच फंक्शन एट वेरी हाई स्पीड। हाउएवर द पेरिफेरल कनेक्टेड टू द माइक्रोप्रोसेसर आर स्लोअर डिवाइसेज। हैंस सम ऑफ द डिले मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन टू इंस्ट्रक्शन गिवन टू द पेरिफेरल। टाइम डिले टेक्निक्स आर यूज टू इंट्रोड्यूस द डिले बिटवीन टू इंस्ट्रक्शन। In some of the applications, program is such complex that it is tedious to design it at a stretch. Hence, the program is divided in small programs called sub-program or subroutine. These sub-programs or subroutines may be called whenever it is needed. The stack is a data structure initialized through stack pointer in read-write memory that is used for temporary storage of information. The stack stores the data in last-in-first-out manner. The real-time application like traffic signals, digital clocks, process control, serial data transfer, counter use these programming techniques, time delay, stack and subroutine. तो इस चैप्टर में हम बात करने जा रहे हैं टाइम डिले की, स्टैक की, सब रूटीन की। टाइम डिले कहाँ पर रिक्वायरमेंट है, टाइम डिले हमें रिक्वायरमेंट है कहाँ पर, जब हम पेरिफेरल कनेक्टेड करते हैं, पेरिफेरल माइक्रोप्रोसेसर के साथ मैं कनेक्ट किया तो वहाँ पर कितना कुछ ना कुछ डिले हमें प्रोवाइड करना पड़ता है क्योंकि टाइम डिले टेक्निक्स आर यूज टू इंट्रोड्यूस द डिले बिटवीन टू इंस्ट्रक्शंस। वहाँ पर क्या माइक्रोप्रोसेसर एक ऐसी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके फंक्शन हाई स्पीड पर काम करते हैं, कई बार जो है इसकी स्पीड स्लो है तो वहाँ पर कुछ टाइम डिले हमें देना है, या जैसे ट्रैफिक लाइट सिग्नल है, डिजिटल क्लॉक्स है, वहाँ पर कुछ ना कुछ हमें डिले देना होता है। उस डिले के लिए हमें पता होना चाहिए कितनी इंस्ट्रक्शन साइकिल हैं, कितनी टी स्टेट्स वहाँ पर कवर हो रही हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंगली हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ टी स्टेट्स। अगर हमें नंबर ऑफ टी स्टेट्स पता होंगी देन हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना टाइम डिले हम उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ टाइमिंग ऑपरेशंस। द प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस् ट्रक्शंस रिटन इन ए सीक्वेंस एंड परफॉर्म प्री डिफाइंड टास्क व्हेन एवर एग्जीक्यूटेड। द 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज डिजाइंड टू एग्जीक्यूट 74 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन टाइप्स। To execute an instruction, the microprocessor needs to perform various operations related to memory or input-output devices. These predefined operations are further divided into T states. तो एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रोप्रोसेसर को नीड है बहुत सारे ऑपरेशंस की रिलेटेड टू मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज लाइट गेट। तो ये टी स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है फिर फर्दर। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका मतलब एक एक्सटर्नल में भी और एज वेल एज सेशनल एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टी साइकिल एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन साइकिल मशीन साइकिल कैलकुलेटर डिले ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन। तो ध्यान से जो है सब लोग सुनना, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। इंस्ट्रक्शन साइकिल, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन साइकिल? इंस्ट्रक्शन साइकिल इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। द 8085 माइक्रोप्रोसेसर इंस्ट्रक्शन साइकिल मे इंक्लूड 1 to 6 ऑपरेशन टू कंप्लीट द एग्जीक्यूशन ऑफ वन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन साइकिल नाम से इंडिकेट हो रहा है, इंस्ट्रक्शन साइकिल को डिफाइन किया गया कि एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में कंप्लीट एग्जीक्यूट होने में कितने टाइम की रिक्वायरमेंट है वो अपनी इंस्ट्रक्शन साइकिल है। क्या समझ में आया कि एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है फॉर एग्जांपल मूव ए कोमा बी, इस पूरी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में जितने टाइम की रिक्वायरमेंट होगी वो आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल होगा। नाउ मशीन साइकिल, मशीन साइकिल इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑपरेशन। द ऑपरेशन कैन बी एक्सेसिंग मेमोरी इनपुट आउटपुट और एक्नॉलेजिंग एन एक्सटर्नल रिक्वेस्ट। इन अदर वर्ड टू मूव डाटा बाइट इन और आउट ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर ए मशीन साइकिल इज रिक्वायर्ड। वन इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 1 to 4 मशीन साइकिल्स। नेक्स्ट इज मशीन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या थी? कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन था। मशीन साइकिल क्या डिफाइन कर रहा है कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑपरेशन, एक ऑपरेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा हमारा जो टाइम रिक्वायर्ड है वो मशीन साइकिल है। अब एक ऑपरेशन कौन सा हो सकता है कि जब हम ऑपकोड फेच कर रहे हैं, कोई मेमोरी एक्सेस कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट या कुछ भी हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं उसमें वो एक ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम
रिक्वायर्ड होगा वो हमारी एक मशीन साइकिल है। अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें तो टू मूव डाटा बाइट इन और आउट टू माइक्रोप्रोसेसर ए मशीन साइकिल इज रिक्वायर्ड। अगर एक डाटा बाइट को भी हमें मूव करना है इन और आउट माइक्रोप्रोसेसर तो हमें एक मशीन साइकिल रिक्वायरमेंट है। एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में 1 to 4 मशीन साइकिल होती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन। देर आर 9 डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन साइकिल इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर। 8085 माइक्रोप्रोसेसर में 9 डिफरेंट टाइप की मशीन साइकिल है। द स्टेटस सिग्नल S1, S0, IOM bar आर जनरेटेड एट द स्टार्ट ऑफ एनी मशीन साइकिल। S0, S1 और IOM bar आर जनरेटेड एट द स्टार्ट ऑफ एनी मशीन साइकिल एंड रिमेन वैलिड फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ द मशीन साइकिल। ये आपके जो स्टेटस सिग्नल हैं ये मशीन साइकिल के स्टार्टिंग में ही क्या होंगे, जनरेट होंगे और रिमेन वैलिड फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ मशीन साइकिल। कंप्लीट मशीन साइकिल के कंप्लीट होने तक ये कंप्लीट एज इट इज रहेगा। ऑल द ऑपरेशन एंड देयर एसोसिएटेड स्टेटस सिग्नल आर लिस्टेड इन द टेबल बिलो टेबल। 8085 में आपकी जो कुछ मशीन साइकिल्स हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंगली स्टेटस सिग्नल्स यहाँ पर हमें दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है इसने ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड राइट, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, हॉल्ट होल्ड एंड रीसेट टाइप के जो है मशीन साइकिल। स्टेटस सिग्नल में क्या दिया, S0, S1, IOM bar। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, IOM bar है, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। जहाँ पर बात होगी मेमोरी की तो मेमोरी, जहाँ पर भी बात होगी तो M के ऊपर बार है तो ये आपका क्या होगा, 0 होगा। जहाँ पर भी 0 है वहाँ पर मेमोरी की बात हो रही है, जहाँ पर ये 1 होगा वहाँ पर आपकी इनपुट आउटपुट सिग्नल की बात हो रही है। ये क्लियर समझ में आया। S1, S0, ऑपकोड फेच, अगर ऑपकोड फेच हो रहा है तो S0, S1 जो है आपका दोनों 1-1 रहेंगे। मेमोरी रीड हो रहा है तो ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा। मेमोरी राइट है तो ये 1-0 है। इनपुट आउटपुट रीड है तो ये 0-1 है। इनपुट आउटपुट राइट है तो 0-1 है। इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट 1-1 पर होगा। और हाल्ट होल्ड और रीसेट, इसमें IOM bar जेड होगा, ट्राई स्टेट पर रहेगा और ये डोंट केयर कंडीशन रहेंगी। हाल्ट पे ये S0 और S1 दोनों स्टेटस सिग्नल हमारे क्या रहेंगे, 0 रहेंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। नाउ टी स्टेट। टी स्टेट इज डिफाइंड एज वन सब डिविजन ऑफ द ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन वन क्लॉक पीरियड। टी स्टेट इज डिफाइंड एज वन सब डिविजन ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड इन वन क्लॉक पीरियड। टी स्टेट जो मशीन साइकिल का एक सब पार्ट है, मतलब जो इंस्ट्रक्शन साइकिल थी, इंस्ट्रक्शन साइकिल का एक सब पार्ट था मशीन साइकिल, मशीन साइकिल का एक सब पार्ट आ गया अब टी स्टेट। मतलब एक ऑपरेशन परफॉर्म होने में एक क्लॉक पीरियड, इन ए क्लॉक पीरियड उसका एक सब डिविजन है। दिस इज द यूनिट इन विच टाइम ऑफ एनी ऑपरेशन इज मेजर्ड। दीज सब डिविजन्स आर इंटरनल स्टेट्स सिंक्रोनाइज्ड विद द सिस्टम क्लॉक। द टर्म टी स्टेट एंड क्लॉक पीरियड आर ऑफन यूज सिनोनिमसली। ईच मशीन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 to 6 टी स्टेट्स। हर एक मशीन साइकिल में 3 to 6 तक में टी स्टेट्स होती है। वन इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 1 to 5 मशीन साइकिल। वन इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 1 to 5 मशीन साइकिल एंड वन मशीन साइकिल कंसिस्ट टू 3 to 6 टी स्टेट्स। फिगर 6.7.1 शोज द रिलेशन बिटवीन इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल एंड टी स्टेट। ये क्लियरली आप यहाँ पर देख सकते हो। ये क्या कह रहा है कि एक इंस्ट्रक्शन साइकिल, सबसे पहले पढ़िए अपने इंस्ट्रक्शन साइकिल। एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में मशीन साइकिल हो सकती है अप टू द 5, 1 to 5। 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है मशीन साइकिल 1 टू 5 तक। अब एक मशीन साइकिल के अंदर में जो टी स्टेट्स होंगी वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हो सकती है, 3 to 6। 3 तो जनरली होती हैं और मैक्सिमम अप टू द 6 जनरली। वैसे टी स्टेट्स जो होती हैं वो जो है जनरली 4 होंगी और या 6 होंगी, जितनी भी ऑपकोड फेच की हैं वो 4 वाली या 6 वाली। हाउ टू रिकॉग्नाइज मशीन साइकिल एंड टी स्टेट्स इन एन इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब मशीन साइकिल और टी स्टेट्स की बात कर रहे हैं, पढ़ तो लिया कि मशीन साइकिल क्या है, टी स्टेट्स क्या है। अब कोई एक इंस्ट्रक्शन साइकिल आ गई तो उसमें कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीज़ें अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। द इंस्ट्रक्शन साइकिल इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली रीड एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन। Hence, the instruction cycle can be divided into 2 parts. First one is time in which instruction is read, time in which operation is performed. ये कह रहा है कि एक complete instruction है, जो instruction complete execute हो रही है उसको 2 part में divide कर रहे हैं। 2 part में क्या कह रहा है, पहला कह रहा है time in which instruction is read, instruction read कर रहा है opcode and operand, मतलब जैसे move a, b है
मूव ए कोमा बी, मतलब मूव क्या है, ओपकोड है, ए कोमा बी आपका ओपरेंड है, तो वो वहां पर क्या कर रहा है, ये इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहा है कि वो वहां पर करना क्या है, मूव इंस्ट्रक्शन आई या ऐड इंस्ट्रक्शन आई या सब्ट्रैक्शन की इंस्ट्रक्शन आई या किसी लॉजिकल गेट्स की इंस्ट्रक्शन आई, उस इंस्ट्रक्शन को वो रीड कर रहा है। उसको रीड करने में एक टाइम रिक्वायर्ड होगा, दूसरा टाइम इन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म, दूसरा टाइम रिक्वायर्ड होगा जो ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, मतलब मूव ए कोमा बी लाइक दिस, कि बी का कंटेंट ए में कॉपी हो जाए, मूव हो जाए, तो वो आपका ऑपरेशन हुआ। तो एक टाइम वो लगेगा जब वो कॉपी करेगा, एक टाइम तो रीड करा, एक टाइम उसको कंप्लीट किया। फर्स्ट ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल इज ऑलवेज रीडिंग द ऑपकोड, फर्स्ट ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन साइकिल का हमेशा रीडिंग द ऑपकोड होगा, सबसे पहले वो ऑपकोड को रीड करेगा, ऑपकोड को रीड नहीं करेगा तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। दिस इज नोन एज ऑपकोड फेच मशीन साइकिल, तो जो ऑपकोड को वो रीड कर रहा है वो आपकी ऑपकोड फेच मशीन साइकिल कहते हैं। After that, read the byte written in instruction. अगर कोई byte लिखी हुई है written में, वो instruction read करेगा। This is memory read machine cycle. अगर कोई वहाँ पर byte लिखी हुई है तो वो memory read होगी। For example, if instruction MVI A,70H is executed, there will be opcode fetch machine cycle to read the opcode first and then memory read machine cycle to read the data 70H. अब दूसरी जो होगी वो मेमोरी रीड होगी, मेमोरी रीड होगी किसकी, 70 की। अब यहाँ पर जो भी डाटा लिखा है उसको रीड करना पड़ेगा, रीड करो, मेमोरी रीड मशीन साइकिल बोला उसको। द फंडामेंटल रूल टू फाइंड द मशीन साइकिल इन एन इंस्ट्रक्शन साइकिल इज डैट फर्स्ट फाइंड द नंबर ऑफ मेमोरी बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन। अगर आपको फंडामेंटल रूल बता रहे हैं मशीन साइकिल में, एक वो सॉरी इंस्ट्रक्शन साइकिल में कितनी मशीन साइकिल हैं ये फाइंड आउट करना है, तो पहले आप नंबर ऑफ मेमोरी बाइट रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी बाइट की रिक्वायरमेंट है। मतलब कहना गया है कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि 1 byte, 2 byte, 3 byte की इंस्ट्रक्शंस वो किसकी थी, कि कितनी मेमोरी बाइट हमें रिक्वायर्ड है उस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए, उसी के बेस पर क्लासीफाई किया गया था 1 byte इंस्ट्रक्शन, 2 byte और 3 byte इंस्ट्रक्शन। तो नंबर ऑफ मेमोरी बाइट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मशीन साइकिल, तो जितनी नंबर ऑफ मेमोरी बाइट रिक्वायर्ड होगी उज इक्वल टू द नंबर ऑफ मशीन साइकिल, उतनी ही मशीन साइकिल होंगी। आउट ऑफ दीज मशीन साइकिल फर्स्ट विल बी द ऑपकोड फेच, पहली आपकी ऑपकोड फेच होगी एंड रिमेनिंग विल बी मेमोरी रीड ऑलवेज, दूसरी जो भी रिमेनिंग बची हो मेमोरी रीड की होगी। फॉर सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन डेट बाइट इज ऑपकोड ओनली, सो ओनली ऑपकोड फेच मशीन साइकिल विल बी नेडेड। सिंगल बाइट की इंस्ट्रक्शन है तो एक केवल एक ऑपकोड फेच होगा, तो वहां पर ऑपकोड फेच मशीन साइकिल विल बी नेडेड होगी। नाउ नेक्स्ट इज When instruction is completely read, जब completely read कर ली instruction को and decode, then operation of that instruction gets start. But for operation instruction, additional machine cycle are only required when operation required any communication with memory or input out. Operation related to internal data operation do not require any extra cycle. अगर आपका इंटरनल डाटा से रिलेटेड ऑपरेशन हो रहा है तो कोई भी एक्स्ट्रा साइकिल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, इफ इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्ट द माइक्रोप्रोसेसर टू स्टोर 1 byte डाटा इन मेमोरी, देन 1 execution साइकिल मेमोरी राइट विल बी एडिशनल। एग्जांपल दिया है, वो कह रहा है दोबारा से, when instruction is completely read decode then operation of that instruction get starts, but for operation instruction additional machine cycle, जो operation instructions हैं उनके लिए additional machine cycle required होगी। कब, जब when operation required any communication with memory or input output, जब भी memory या input output से के साथ में आपका कोई भी operation हो रहा है तब आपको additional requirement होगी। कैसे, देर हो instruction cycle opcode fetch और read machine cycles plus execution cycle। अब वो कह रहा है द लेंथ ऑफ ऑपकोड फेच मशीन साइकिल इज नॉट फिक्स्ड, लेंथ ऑफ ऑपकोड फेच की मशीन साइकिल की लेंथ फिक्स नहीं है, इट वेरीज फ्रॉम 40 स्टेट्स टू 60 स्टेट्स एज पर द इंस्ट्रक्शन। ये वेरी करता है, 40 हो सकता है या 60 हो सकता है, वेरी करता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज 40 स्टेट्स, अदर मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन हैव द लेंथ ऑफ 3 T-states। यहाँ पर याद करने वाली चीज़ क्या है इंस्ट्रक्शन साइकिल में, अब यहाँ पर ध्यान रखना कितनी टी स्टेट्स हैं, तो वो टोटल किससे कैलकुलेट करोगे, ऑपकोड फेच और रीड साइकिल कितनी है आपकी, प्लस एग्जीक्यूशन साइकिल कोई एक्स्ट्रा है तो एडिशनल आएगी, तो ये दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। अब वो कह रहा है कि ऑपकोड फेच के लिए जनरली मोस्ट ऑफ द केसेज ये क्या हो गया 40 states होंगी, जनरली 60 होता है, कुछ केसेज में होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसमें होगा।
और बाकी की अदर जो भी मेमोरी रीड मेमोरी या इनपुट आउटपुट रीड राइट ऑपरेशन हो रहे हैं वहाँ पर 3D स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो हैंस आफ्टर फाइंडिंग द मशीन साइकिल एज द कॉरस्पॉन्डिंग टी स्टेट्स आर ऑलरेडी नोन वन कैन इजिली कैलकुलेट द नंबर ऑफ टी स्टेट्स जस्ट बाई समिंग द टी स्टेट्स ऑफ द इंडिविजुअल मशीन साइकिल। फॉर एग्जाम्पल द 8085 माइक्रोप्रोसेसर इज ऑपरेटिंग ऑन ए 2 मेगाहर्ट्ज़ क्लॉक सिग्नल कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। एक 8085 माइक्रोप्रोसेसर है जिसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी हुई 2 मेगाहर्ट्ज़ की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी दी है क्लॉक सिग्नल। अब टाइम रिक्वायर्ड आपको निकालना है कि ये फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन हैं इनको एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। जैसे कि पहली इंस्ट्रक्शन है हमारी MVI A30H, तो MVI A30H में कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा इस पूरी कंप्लीट साइकिल को पूरी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में वो हमें कैलकुलेट करना। MOV A B STA 3050 फर्स्ट ले रहे थे MVI A30। अब नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन, अब इसको स्टोर करने के लिए कितनी मेमोरी बाइट की रिक्वायरमेंट होगी हमें MVI A30H। 1 byte यहाँ पर होगी, 1 byte यहाँ पर होगी, 2 byte की इंस्ट्रक्शन है ये हमारी। हैंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन साइकिल रिक्वायर्ड टू मशीन साइकिल, तो क्या होगा हमें 2 मशीन साइकिल की रिक्वायरमेंट होगी। आउट ऑफ दीज फर्स्ट विल बी द ऑपकोड फेच, फर्स्ट कौन सी होगी हमेशा ऑपकोड फेच की होगी, इसको ऑपकोड को फेच करेगा। एंड द रिमेनिंग वन विल बी द मेमोरी रीड, दूसरी मेमोरी रीड की होगी। Now the meaning of this instruction MVI A30H is to copy the content 30 to the accumulator. This is the internal operation and there is no operation related to memory or input output. Therefore, no additional machine cycle is needed. तो यहाँ पर जो भी ऑपरेशन हो रहा है इंटरनल ऑपरेशन है ये यहाँ पर भाई 30H का कोई इमिडिएटली डाटा है वो कॉपी करना है किसमें, एक्यूमुलेटर में कॉपी करना है। तो ना तो मेमोरी की जरूरत पड़ रही है हमें कहीं पर एक्सटर्नल या इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, तो एडिशनल मशीन साइकिल की नीड नहीं होगी। तो हमारे पास में क्या है, इंस्ट्रक्शन साइकिल इज इक्वल्स टू ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी रीड। तो ऑपकोड फेच की कितनी थी 40, मेमोरी रीड की कितनी थी 3T इज इक्वल्स टू 70। तो माइक्रोप्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 2 megahertz मीन्स 2 × 10⁶ hertz और टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इज इक्वल टू 70। कितनी टी रिक्वायर्ड है 70, टी इज इक्वल टू क्या होता है 1/f, पुट द वैल्यू ऑफ एफ फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर फ्रीक्वेंसी 2 megahertz, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में दी हुई है 2 × 10⁶ एंड कैलकुलेट द 3.5 microsecond विल बी द आंसर ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटिंग टाइम। अब यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन थी MVI A30H, यहाँ पर क्या हुआ कि एक्यूमुलेटर में डाटा कॉपी कर रहे 30, अब इसको स्टोर करने के लिए 2 byte की इंस्ट्रक्शन है, ये 2 byte चाहिए हमें इसको स्टोर करने के लिए। तो 2 byte इंस्ट्रक्शन साइकिल, तो 2 machine cycle रिक्वायर्ड होगी। 2 machine cycle रिक्वायर्ड होंगी कौन कौन सी होंगी, पहली तो हमेशा क्या होगी आपको ऑपकोड फेच होगी, ये वाली ऑपकोड फेच होगी, दूसरी ये मेमोरी रीड होगी, 30 को रीड करना है। अब यहाँ पर 40 ऑपकोड फेच की, मेमोरी रीड की 3T, हमेशा यही रहेगी 99% केस में ऑपकोड फेच 40 और मेमोरी रीड तो 3T होती ही होती है। तो ऑपकोड फेच कितनी रिक्वायर्ड हुई आपको 40 और मेमोरी रीड कितनी थी 3T, तो आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर टोटल होगी कितनी 70 स्टेट्स की रिक्वायरमेंट है। अब मेगा हर्ट्स में आपकी फ्रिक्वेंसी दी हुई थी तो टाइम कितना चाहिए 70 मतलब टी इज इक्वल टू 1/f, F क्या दिया हुआ है 2 megahertz, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 × 10⁶ hertz, पुट द वैल्यू ऑफ F इन दिस एंड वी विल गेट 3.5 microsecond। नाउ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन MOV A B, नंबर ऑफ बाइट रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन इज 1 byte ओनली। अब A B है आपका, B से डाटा कॉपी हो रहा है एक्यूमुलेटर में, इसको बाय इस इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए सिर्फ हमें 1 byte की रिक्वायरमेंट है और वो आपकी, तो यहाँ पर मशीन साइकिल भी कितनी होगी 1 होगी और वो मशीन साइकिल क्या होगी ऑपकोड फेच होगी। नाउ द रिमेनिंग मीनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन MOV A B इज द टू कॉपी द कंटेंट ऑफ रजिस्टर बी टू द एक्यूमुलेटर, दिस इज एन इंटरनल ऑपरेशन, डज नॉट नीड एनी एडिशनल मशीन साइकिल। इंटरनल ऑपरेशन हो रहा है, कोई एडिशनल मशीन साइकिल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर एक्सटर्नल ऑपरेशन है मेमोरी से या इनपुट आउटपुट से, तब यहाँ पर एडिशनल मशीन साइकिल यहाँ पर हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल किस क्या चाहिए हमें, ऑपकोड फेच चाहिए क्योंकि 1 byte की इंस्ट्रक्शन थी, तो 1 machine cycle चाहिए, 1 machine cycle है ऑपकोड फेच, ऑपकोड फेच की हमारी टी स्टेट्स हैं 40, तो हमारे पास में फ्रीक्वेंसी दी हुई थी 2 megahertz की, 40 इज इक्वल टू 1/f, 4 से मल्टीप्लाई, 4 / 2 × 10⁶ seconds एंड दिस विल गेट 2 × 10⁶ और 2 microsecond।
बड़ा सिंपल, STA 3050 नंबर ऑफ बाइट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन 3 byte, हैंस द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन साइकिल रिक्वायर्ड 3 machine cycle. 3 byte की जो रिक्वायरमेंट है तो 3 bytes चाहिए. आउट ऑफ दीज फर्स्ट विल बी द ऑपकोड फेच एंड रिमेनिंग 2 आर द मेमोरी रीड. द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, इज स्टोर द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर इन टू द मेमोरी लोकेशन. आप एक्यूमुलेटर का कंटेंट इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर नीड वो कॉपी कर रहे हो. दिस ऑपरेशन रिक्वायर्ड 1 additional machine cycle, दैट इज द मेमोरी राइट. यहाँ पर वो क्या रहा है, ऑपकोड फेच, सबसे पहले ऑपकोड फेच हुआ, इसको स्टोर करने के लिए मेमोरी रीड, मतलब मेमोरी को रीड करने के लिए 2 machine cycle रिक्वायर्ड. प्लस अब एक्यूमुलेटर से डाटा जा रहा मेमोरी में, एक्यूमुलेटर से कहाँ जा रहा, मेमोरी में. तो यहाँ पर मेमोरी में राइट करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन और चाहिए, मेमोरी राइट 1. तो आपकी ओपकोड फैच 4T, मेमोरी रीड 3T, 2 है तो 2 बार 3T और 1 बार मेमोरी राइट का 3T. तो टोटल यहाँ पर हमारे पास में रिक्वायर्ड हुई 13T. तो T इज इक्वल टू 1/FF हमें दिया हुआ है, कैलकुलेट कर लो. समझने की ज़रूरत यहाँ पर है कि ये 13T कहाँ से आया. दोबारा से रिपीट करते हैं, STA 3050 था, इसको स्टोर करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है 3 byte की इंस्ट्रक्शन है, ये 3 byte की इंस्ट्रक्शन है, ये तो सबको पता है. अब 3 byte की इंस्ट्रक्शन है तो इसमें मतलब एक ऑपकोड फेच हो रहा है, 2 यहाँ पर मेमोरी रीड हो रही है. समझ में आ रही बात, इसका मतलब क्या है कि एक्यूमुलेटर से डाटा कॉपी हो रहा है इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे. तो यहाँ से डाटा यहाँ पर कॉपी हो रहा है और हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, मतलब एक्यूमुलेटर से मेमोरी पे जा रहा है तो एडिशनल मशीन साइकिल की रिक्वायरमेंट होगी. तो मशीन मेमोरी राइट के लिए एक एडिशनल टी स्टेट हमें चाहिए, मशीन साइकिल चाहिए, मतलब टी स्टेट 3 होगी. तो 13T आ गया, तो इसका आंसर हमारे पास में क्या आ गया, 6.5 microsecond. तो मतलब STA 3050H को एग्जीक्यूट होने में, कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में 6.5 microsecond लगेंगे इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोप्रोसेसर इज 2 MHz. अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो इसको एग्जीक्यूट होने में और टाइम भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, ज़्यादा भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी. ओके, नेक्स्ट टाइमिंग डायग्राम. अब जब टी स्टेट्स आपको पता चल गई, टाइम पता चल गया कितना टाइम रिक्वायर्ड है उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो टाइमिंग डायग्राम आप बड़े ईजीली वे में बना सकते हो. क्या है टाइमिंग डायग्राम होता क्या है, टाइमिंग डायग्राम इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन विद टाइम एक्सिस. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन, कोई इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट कर रहे हो उसका टाइम एक्सिस के साथ में हमारा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. द टाइमिंग डायग्राम शोज व्हेन द सिग्नल आर एक्टिवेटेड एंड फॉर व्हाट पीरियड दे रिमेन इन एक्टिव स्टेट. टाइमिंग डायग्राम ये शो कर रहा है कि इस जो सिग्नल है वो कब एक्टिवेट होगा आपका और कितने टाइम पीरियड के लिए होगा, वो एक्टिव स्टेट में रहेगा, वो यहाँ पर फाइंड आउट हो रहा है. सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स, यहाँ पर हम जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स की बातें कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रुप ऑफ सिग्नल, सिंगल सिग्नल एक्सेट्रा, ये ध्यान से देखने की बात है. अगर ये नहीं देखोगे तो टाइमिंग डायग्राम कभी नहीं बना पाओगे और टाइमिंग डायग्राम का क्वेश्चन 100% आएगा. टाइमिंग डायग्राम, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल क्या कह रहा है, हैज नंबर ऑफ सिग्नल्स विच आर जनरेटेड और एक्टिवेटेड एट स्पेसिफिक इंस्टेंट फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड. दीज सिग्नल्स आर रिप्रेजेंटेड इन टाइमिंग डायग्राम बाय डिफरेंट मैनर. फर्स्ट वन इज द सिंगल सिग्नल. अब कोई सिंगल सिग्नल है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइन. सिंगल सिग्नल है तो एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दोगे. इट कैन हैव स्टेट्स आइदर लॉजिक 0 और लॉजिक 1 और ट्राई स्टेट. ट्राई स्टेट क्या है, द चेंज इन द स्टेट ऑफ द सिग्नल टेक finite time, hence the state change of the signal is represented with the finite rise time and fall time. This is shown in the 7.2. तो हमारा क्या है, ये तो logic 0 होगा, नीचे रहेगा, या logic 1 होगा, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो time period है, ये TR दिया, इसको TR बोला, इसको rising time बोला, और ये वाला जो है यहाँ पर जब fall हो रहा है ये, तो ये आपका fall time है. ये rise time होता है यहाँ से यहाँ तक का, और ये वाला जो होता है ये fall time होता है. ट्राई स्टेट कौन सी, जब लॉजिक 1 से दोबारा से ये इसमें जाता है, तो इस वाली स्टेट को, मतलब लॉजिक 0 से लॉजिक 1 में जाने वाली स्टेट ये वाली, इसको ट्राई स्टेट बोला. ग्रुप ऑफ सिग्नल्स, बस, दिस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक. जहाँ पर भी बस की बात होगी, ग्रुप ऑफ सिग्नल की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ सिग्नल्स को ही बस कहते हैं. बस क्या है, बेसिकली ग्रुप ऑफ सिग्नल्स है, और दिस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक. ब्लॉक की फॉर्म में इसको करते हैं. डाटा बस एंड एड्रेस बस आर प्रेजेंटेड बाय द ग्रुप ऑफ सिग्नल्स, दिस इज शोन इन दिस लाइक दिस.
तो जहाँ पर स्टेट चेंज होगी तो वो यहाँ पर ऐसे क्रॉस आ जाएगा और इस तरीके का ये एक ब्लॉक बन के तैयार हो जाएगा। ये आपका बस का रिप्रेजेंटेशन है। तो जहाँ पर भी बसें जाएंगी वहाँ पर जब टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे तो यही सारी चीज़ें रिपीट होंगी। तो ये ट्राई स्टेट है, जहाँ पर डॉट 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 दिखाया जाएगा वो ट्राई स्टेट होगी, बाकी ये वैलिड स्टेट और ये स्टेट चेंज होगी। और वैलिड स्टेट कहाँ से कहाँ तक होगी, जहाँ से ये बॉक्स बॉक्स क्लॉक सिग्नल। द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 8085 इज हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड एट X1 एंड X2 पिंस। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है 8085 की, हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड एट X1 एंड X2। X1 एंड X2 पिन पर जो भी आपने पावर सप्लाई जो भी आपने वहाँ पर फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रखी तो उसकी हाफ कर दोगे वो आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी। ऑल द ऑपरेशन आर सिंक्रोनाइज विद द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। इन द टाइमिंग डायग्राम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी क्लॉक सिग्नल इज ऑलवेज शोन ऑन द टॉप। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं कि टाइमिंग डायग्राम में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी का क्लॉक सिग्नल हमेशा टॉप पर बनाना है। देन अदर सिग्नल आर शोन विद रेफरेंस टू द क्लॉक। अब जो है क्या कह रहा है यहाँ पर, ऑल द ऑपरेशन आर सिंक्रोनाइज्ड विद द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। जितने भी ऑपरेशन होते हैं आपके इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वो आपके कहाँ पर हैं, वो सिंक्रोनाइज्ड हैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी से, और उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली आपका जो क्लॉक सिग्नल्स हैं वो हमेशा टॉप पे शो होंगे और अदर सिग्नल उसके रेफरेंस में क्लॉक सिग्नल के शो करेंगे। तो यहाँ पर जो है आइडियल कंडीशन में तो ये होता है 0 एंड 1, ये क्लॉक साइकिल है हमारी। तो टी स्टेट क्या होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल 1 एंड 0 की, ये टी स्टेट है और इसी को हमने एक क्लॉक साइकिल बोला। तो एक क्लॉक साइकिल इज इक्विवेलेंट टू एक टी स्टेट हो गई। तो जैसे कि हमारे ऊपर टी स्टेट्स आएंगी कि 3T है 4T है, तो वो यहाँ से नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल पता चलती है कि कितनी क्लॉक साइकिल रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये होता है। तो ये टी स्टेट कहाँ से कहाँ तक हुई, इस वाले से और ये वाला जो टाइम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉक रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट है ALE, थर्ड क्लॉक था, फोर्थ आ गया आपका ALE, एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच इनेबल क्या है, दिस इज एक्टिवेटेड इन द बिगनिंग ऑफ द T1 स्टेट ऑफ ईच मशीन साइकिल। ये क्या कह रहा है कि ALE इज एक्टिवेटेड एट द बिगनिंग ऑफ टी स्टेट ऑफ ईच मशीन साइकिल एंड गोज लो जस्ट एट द एंड ऑफ T1 स्टेट। This is active high signal and is used to demultiplex the address bus. This is shown in the 7.5. Address is enable में क्या कह रहा है, ये active high signal है और इसको use कर रहे हैं हम demultiplex करने के लिए data है वो address bus को, address और data bus जो हमारी multiplex है उसको demultiplex करने के लिए use करते हैं। और ये एक्टिवेटेड हो जाती है, कब होती है, जब T1 मशीन साइकिल एग्जीक्यूट होगी। जब भी मशीन साइकिल, कोई भी एक मशीन साइकिल है, उस मशीन साइकिल की जो पहली स्टेट है T1, उस T1 पे ही ये एक्टिव हाई हो जाएगा और उस T1 साइकिल के कंप्लीट होने पर, एंड गोज लो जस्ट एट द एंड ऑफ T1 स्टेट। तो T1 स्टेट का जो एंड होगा वहाँ पर ये लो हो जाएगी, फिर ये लो रहेगी, रिमेंस लो रहेगी अनटिल अनलेस नेक्स्ट मशीन साइकिल इज एग्जीक्यूटेड। जैसे ही मशीन साइकिल दूसरी आएगी उसकी T1 स्टेट आएगी, ये अगेन हाई होगा और हाई रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक कि ये T1 स्टेट ख़त्म नहीं होती, इसके ख़त्म होने से पहले ही ये लो हो जाएगा और फिर लो रहेगा। अगर मशीन साइकिल 3 यहाँ पर है तो उसकी जो T1 स्टेट होगी वहाँ पर फिर अगेन ये हाई होगा, फिर लो हो जाएगा और फिर रिमेंस लो कंटिन्यूसली। क्लियर है, मतलब क्या करना है, सबसे पहले तो जो टी स्टेट्स हैं बनाएंगे टाइमिंग डायग्राम कैसे बनाएंगे, आगे एग्जांपल भी आएगा उससे भी समझाएंगे। तो सबसे पहले तो क्या करोगे, मशीन साइकिल 1, मशीन साइकिल 2, मशीन साइकिल 3, जितनी मशीन साइकिल रिक्वायर्ड हैं। अब मशीन साइकिल 1 में कितनी स्टेट्स हैं, 4 स्टेट्स हैं, तो 4 T स्टेट्स बनाओगे, T1 T2 T3 T4। यहाँ से आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, T1 T2 T3 T4। तो जो पहली मशीन साइकिल होगी उस मशीन साइकिल की जो पहली T1 होगी वहाँ पर ALE हमेशा हाई होगा, ये ध्यान रखना। हाई ऑर्डर एड्रेस बस, हाई ऑर्डर एड्रेस बस कह रहा है 8 to 8:15 तक होगी। द हाई ऑर्डर एड्रेस बस इज अवेलेबल ड्यूरिंग T1 T2 and T3 स्टेट ऑफ ईच मशीन साइकिल, दिस इज ऑन इन द 7.6। हाई ऑर्डर एड्रेस बस हमेशा अवेलेबल होगी T1 T2 T3 के लिए, T4 पर वो नहीं होगी अवेलेबल। तो यहाँ पर ये मशीन साइकिल 1 थी, मशीन साइकिल 2 है, मशीन साइकिल 1 की 4 T स्टेट्स दिखा रखी हैं, मशीन साइकिल की 3 T स्टेट्स यहाँ पर दिखा रखी हैं। अब हाई ऑर्डर एड्रेस बस का रिप्रेजेंटेशन करना है, हाई ऑर्डर एड्रेस बस का रिप्रेजेंटेशन T1 से लेकर के T3 तक रहेगा, T4 पर नहीं रहेगा, डॉट 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 आ जाएगा, ये ट्राई स्टेट है इसकी। फिर ये यहाँ पर लाइन दिख रही होगी, यहाँ पर T1 पर फिर हाई, वो हाई हो जाएगा ये, और ये फिर कहाँ तक रहेगा, T3 तक रहेगा, फिर ये क्लोज हो जाएगा। क्लियर है, लो ऑर्डर एड्रेस बस, द लो ऑर्डर एड्रेस बस इज अवेलेबल ड्यूरिंग T1 स्टेट ऑफ ईच मशीन साइकिल, दिस इज रिप्रेजेंटेड इन 7.7। ये क्या कह रहा है, T1 में रहेगी लो ऑर्डर एड्रेस बस।
तो लो ऑर्डर एड्रेस बस केवल टी वन में रहेगी, ए जीरो से ए सेवन होगी आपकी। ये पहली टी वन स्टेट है मशीन साइकिल की, मशीन साइकिल टू की टी वन स्टेट है, तो यहाँ पर रहेगा और बाकी रिमेंस क्या रहेगा डॉट 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 करके आप इसको दिखा दोगे। लो ऑर्डर बस का रिप्रेजेंटेशन है डाटा बस। डाटा बस क्या है? डी जीरो टू डी सेवन, द डाटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी थ्रू डाटा बस ड्यूरिंग टी टू एंड टी थ्री स्टेट्स। वो क्या कह रहा है? डाटा बस जो है टी टू और टी थ्री जो टाइम है, ये यही स्टेट है आपकी टी स्टेट्स, टी टू टी थ्री वाली जो है, इस टाइम पीरियड में डाटा आपका ट्रांसफर होगा, चाहे वो प्रोसेसर के बीच हो, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो या मेमोरी हो, थ्रू डाटा बस होगा। इन रीड साइकिल डाटा विल अपियर ऑन डाटा बस ड्यूरिंग लेटर पार्ट ऑफ टी टू एंड इन राइट साइकिल डाटा विल अपियर ऑन द डाटा बस एट द बिगिनिंग ऑफ द टी टू स्टेट। अगर यहाँ पर रीड साइकिल को है, रीड कर रहे हो आप, तो डाटा बस आपकी कहाँ पर अपियर होगी? लेटर पार्ट ऑफ द टी टू, टी टू के लेटर पार्ट में यहाँ पर अपियर होगी। और अगर राइट साइकिल है तो स्टार्टिंग ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द टी टू स्टेट। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं डाटा बस का। ये तो एड्रेस बस थी, तो टी टू के एंड में, यहाँ पर टी टू के स्टार्टिंग में, एट द बिगिनिंग ऑफ टी टू डाटा बस, यहाँ पर एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ टी टू, तो टी टू और टी थ्री दो के बीच में रहेगी डाटा बस। लेकिन ये डाटा बस कहाँ पर शो करोगे? रीड साइकिल अगर है तो कहाँ करोगे? टी टू के एंड में और टी थ्री के कंप्लीट होने तक। और यहाँ पर क्या करोगे? राइट में, राइट साइकिल में टी टू के बिगिनिंग में ही हो जाएगी और टी टू की टी थ्री के एंड तक चलती रहेगी। स्टेटस सिग्नल क्या है? देर आर थ्री स्टेटस सिग्नल इन द 8085 माइक्रोप्रोसेसर, दे आर एक्टिवेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ टी वन स्टेट एंड रिमेन एक्टिव टिल द एंड ऑफ द मशीन साइकिल। ये सबसे बढ़िया है, स्टेटस सिग्नल कभी एक्टिवेटेड होगा एट द बिगिनिंग ऑफ टी वन स्टेट, जैसे ही टी वन स्टेट आएगी आपकी, उसी के बिगिनिंग में ये क्या करेगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा और रिमेन एक्टिव रहेगा। कब तक? जब तक कि आपकी मशीन साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाती। और स्टेटस सिग्नल आर इंपॉर्टेंट टू फाइनलाइज द टाइप ऑफ मशीन साइकिल, कौन सी टाइप की मशीन साइकिल है वो इससे पता चलेगा। अगर आई ओ एम बार जीरो है, एस जीरो एस वन दोनों वन वन है, तो ऑप कोड फैच है, यहाँ पर मेमोरी का ऑपरेशन हो रहा है। मेमोरी रीड है तो ये भी जीरो रहेगा, ऑप कोड फैच में भी आई ओ एम बार हमेशा जीरो रहेगा, मेमोरी रीड में भी आपका ये हमेशा जीरो रहेगा, मेमोरी राइट में भी हमेशा जीरो रहेगा। ऑप कोड फैच में दोनों वन वन होंगे स्टेटस सिग्नल, और मेमोरी रीड में एस जीरो जीरो होगा, इसमें ये वन होगा। ये उस वाली टेबल से जो सबसे स्टार्टिंग में हमने बताई थी उसमें जो है ध्यान रखना है, ये वाली जो टेबल थी यहाँ से पता चलेगा। ऑपकोड फेच में दोनों वन वन जीरो रहेगा, मेमोरी रीड में ये वन रहेगा ये जीरो रहेगा, मेमोरी राइट में ये जीरो रहेगा ये वन रहेगा, ठीक है ना। उल्टा हो जाता है, मेमोरी रीड और राइट में जीरो वन वन जीरो इस तरीके से आपका रहेगा। तो अगेन हम वहीं पर पहुंचते हैं, तो वहां पर हमारी बात चल रही थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल, क्लॉक सिग्नल, एएलई, लो हाई ऑर्डर बस, डाटा बस, स्टेटस सिग्नल की बात कर रहे थे। तो स्टेटस सिग्नल में हमने बताया था यहां पर कि कैसे कैसे इसको दिखाना है। तो टी वन पे स्टार्ट हो जाएगा, टी थ्री जो भी एंड होगा मशीन साइकिल वहाँ तक इसका रिप्रेजेंटेशन रहेगा, और डिपेंड करेगा कि ऑपकोड फेच है मेमोरी रीड है, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली इसकी वैल्यू लिखोगे। नेक्स्ट रीड बार एंड राइट बार सिग्नल, द डायरेक्शन ऑफ डाटा ट्रांसफर इज डिसाइडेड बाय रीड बार एंड राइट बार सिग्नल। जो जो डाटा ट्रांसफर है वो डिसाइड करता है रीड बार राइट बार सिग्नल। फॉर रीडिंग ऑपरेशन रीड बार गोज लो ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ टी टू एंड टी थ्री, वेयर एज फॉर राइटिंग ऑपरेशन राइट बार सिग्नल गोज लो ड्यूरिंग एंडिंग ऑफ टी टू एंड टी थ्री, दीज आर एक्टिव लो सिग्नल एंड सोन इन द फिगर। ये बेसिकली एक्टिव लो सिग्नल है रीड बार और राइट बार दोनों के दोनों। तो रीड बार कब लो होगा आपका? ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ टी टू, ये यहाँ पर हाई चल रहा है, टी टू की बिगिनिंग में ये लो हुआ, एंड टी थ्री बिगिनिंग ऑफ टी टू एंड टी थ्री, टी टू की और टी थ्री की बिगिनिंग में लो, फिर हाई हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है? राइट बार सिग्नल गोज लो ड्यूरिंग एंडिंग ऑफ टी टू एंड टी थ्री। जैसे ही टी टू टी थ्री वाला होगा, टी टू एंड टी थ्री एंडिंग ऑफ टी टू, एंडिंग ऑफ टी टू कहाँ पर होगी? यहाँ पर एंडिंग ऑफ टी टू होगी, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये गलत है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा और ये टी थ्री तक एंडिंग तक चलेगा।
अब ये समझ में ये नहीं आ रहा है, कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर T2 T3 ये है और यहाँ पर T2 T3 पर ये रीड बार सिग्नल नहीं बनाया, इसी तरीके से ये राइट बार सिग्नल यहाँ पर नहीं बनाया, यहाँ पर बनाया। बेसिकली ये वाला जो साइकिल थी ये हमारी रीड साइकिल थी, तो रीड साइकिल में रीड बार यहाँ पर बनेगा, राइट साइकिल है अगर तो मेमोरी राइट है फॉर एग्जाम्पल, तो मेमोरी राइट में ये नहीं बनेगा, और अगर मेमोरी रीड है तो ये सिर्फ बनेगा। समझ में आएगी बात। नेक्स्ट वेरियस मशीन साइकिल। अब वेरियस मशीन साइकिल क्या क्या हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑपरेशन ऑफ एक्सेसिंग मेमोरी इनपुट आउटपुट और एक्नॉलेजमेंट इज डिफाइंड एज द मशीन साइकिल। क्या कह रहा है, एक ऑपरेशन को कंप्लीट होने में जो भी आपका टाइम रिक्वायर्ड है वो एक मशीन साइकिल है। देर आर वेरियस टाइप ऑफ मशीन साइकिल टाइमिंग डायग्राम, सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड हियर। तो कुछ मशीन साइकिल के यहाँ पर जो डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं। सर फर्स्ट है आपका ऑफकोड फेज मशीन साइकिल, अभी पढ़ रहे थे हम ऑफकोड फेज मशीन साइकिल, सब में होनी है ऑफकोड फेज मशीन साइकिल। तो द फर्स्ट मशीन साइकिल ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन इज ऑफकोड फेज मशीन साइकिल ऑलवेज। इन द ऑफकोड फेज मशीन साइकिल द माइक्रोप्रोसेसर रीड्स एंड इंटरप्ट द नेचर ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। क्या करता है, माइक्रोप्रोसेसर रीड करता है ऑफकोड फेज मशीन साइकिल में माइक्रोप्रोसेसर हमेशा रीड करता है एंड इंटरप्ट द नेचर ऑफ नो इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। दिस मशीन साइकिल टेक्स 40 states, हमेशा 40 states होती हैं, कभी कभी 60 states भी होती हैं टू कम्प्लीट वन ऑपरेशन। एक ऑपरेशन को कम्प्लीट करने में जनरली 40 states की रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी 60 भी रिक्वायर्ड होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम 40 states की बात करते हैं। तो 40 states हैं, तो ऑपकोड फेच के लिए लिखा T1 T2 T3 T4। तो सबसे पहले तो क्लॉक बनानी है, T1 में यही 01 01 01 01 कंप्लीट कर दोगे क्लॉक, तो सब में आग बंद करके बनानी है। कितनी बनानी, जितनी टी स्टेट है उतनी बनानी 01 की फॉर्म में, सबको पता है कैसे बनानी। अब उसके बाद में यहाँ पर बनाए मशीन से टाइमिंग डायग्राम है, यही टाइमिंग डायग्राम है। टाइमिंग डायग्राम में क्या करा, हाई ऑर्डर एड्रेस बस बनानी शुरू करी। हाई ऑर्डर एड्रेस बस T1 के स्टार्टिंग में हाई होगी, T4 के स्टार्टिंग में, T3 तक चलती है, T3 पे खत्म हो गई, T4 पे क्या रहेगा, अनस्पेसिफाइड रहेगा। अगर आगे कोई मशीन साइकिल आएगी तो वहां पर T1 पर फिर हाई हो जाएगा, कहां तक रहेगा, T3 तक रहेगा। नेक्स्ट AD0 to AD7। अब इसमें क्या है, ये तो लो ऑर्डर एड्रेस बस दिखानी है, लो ऑर्डर एड्रेस बस तो कहाँ दिखाओगे, T1 के स्टार्टिंग से लेकर T1 के एंड तक जो है ये खत्म हो जाएगी, ये लो ऑर्डर एड्रेस बस है। अब दूसरा क्या है, ये वाला, ये डाटा रीड और राइट, क्या कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, ऑपकोड फेच हो रहा है। ऑपकोड फेच का मतलब हुआ रीड ऑपरेशन हुआ, तो और रीड ऑपरेशन वाला जो होता वो आपका यहाँ पर T3 T2 के यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया और T3 के यहाँ पर खत्म होने से पहले ये खत्म हो गया। अब ALE T1 पे जो T1 था उसी पे हाई होगी, उसके बाद लो हो जाएगी। IOM बार यहाँ से शुरू होगा और एंड तक जो है ये पूरा बॉक्स बना रहेगा। IOM बार में क्या होगा, मेमोरी रीड का ऑपरेशन हो रहा है तो 0 रहेगा, अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा तो ये 1 होगा। S0 और S1 स्टेटस सिग्नल हैं, दोनों 1-1 रहेंगे इन द केस ऑफ ऑपकोड फेच मशीन साइकिल। यहाँ पर मेमोरी रीड हो रही है तो रीड सिग्नल होगा, और कहाँ पर होगा, T2 पर और T3 पर। क्लियर है। नेक्स्ट अब आया ऑपकोड फेच ही है, लेकिन यहाँ पर जो स्टेट्स हैं हमारी वो 6 हैं, T1 T2 T3 T4 T5 T6, वो 6, ये वो 4 स्टेट का था, ये 6 स्टेट का है। क्लॉक बना दोगे 6। अब आया क्या, हायर ऑर्डर एड्रेस बस T1 से स्टार्ट होगा, T3 पर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अनस्पेसिफाइड, पता नहीं। लो ऑर्डर एड्रेस बस हमेशा T1 पर रहेगी, उसके बाद डाटा बस आएगी। ये डाटा बस क्या होगी, डिपेंडिंग अपॉन द रीड और राइट ऑपरेशन। अगर रीड है तो ये यहाँ पर स्टार्ट हुई और यहाँ पर ख़त्म हो गई, T2 T3 में रहनी है और डाटा बस हमेशा। ALE T1 पर स्टार्ट होगी, हाई होगी, और तब T1 के ख़त्म होने से पहले ही लो हो जाएगी और एक्टिव लो रहेगी लास्ट तक, कुछ भी हो जाए। IOM बार कहाँ तक रहेगा, T1 से स्टार्ट होगा, T4 तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। IOM बार जो सिग्नल वही 011 रहेगा, रेड बार जो है आपका T2 T3 पर रहेगा, और यहाँ से उठा करके ये आप अपना बना दोगे, ये आपकी डाटा बस होगी। डाटा बस रीड बार राइट बार भी हो सकता है, राइट बार आपका यहाँ होगा तो वहीं पर जो है आपकी डाटा बस बन जाएगी, ठीक है। अब स्टेट T1 क्या कह रहा है, अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया इसने। T1 स्टेट में कह रहा है, इन T1 स्टेट द माइक्रोप्रोसेसर प्लेस द हाई ऑर्डर एड्रेस
ऑन हाई ऑर्डर एड्रेस लाइन ए एट टू ए फिफ्टीन, लो ऑर्डर एड्रेस और लो ऑर्डर मल्टीप्लेक्स डाटा लाइन ए डी जीरो टू ए डी सेवन, ए एल ई सिग्नल इज एक्टिवेटेड बाई द माइक्रोप्रोसेसर टू लैच द लो ऑर्डर बाइट ऑफ एड्रेस इन एक्सटर्नल लैच, ए एल ई सिग्नल गोज लोअर अगेन एट द एंड ऑफ टी वन स्टेट, द स्टेटस सिग्नल ऑफ दिस 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 दिस। अब ये जितनी भी टी स्टेट्स थी, इस टी स्टेट में मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि जब टी वन स्टेट थी, टी वन स्टेट कौन सी थी, ये थी, इस टी वन स्टेट में इसका क्या हुआ, इस पे क्या हुआ, ए एल ई पे क्या हुआ, आई ओ एम बार पे क्या हुआ, और आपका दूसरा जो भी ऑपरेशन था ये रीड बार वाला, उनमें क्या हुआ। तो ये सारे ऑपरेशन टी वन टी टू टी थ्री टी फोर उस तरीके से यहाँ पर जो स्टेट टी वन टी टू टी थ्री पर टी फोर पर जो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। टी फोर में जैसे इन्होंने क्या, डिकोड द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन डिसाइड वेदर टू एंटर इन टी फाइव और टी सिक्स स्टेट ऑफ मशीन साइकिल और नॉट इन डिपेंडिंग अपॉन दिस दिस दिस। टी फाइव और टी सिक्स में क्या होगा, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस वन बाइट इंस्ट्रक्शन दोज ऑपरेट ऑन 16 बिट डाटा आर एग्जीक्यूटेड इन टी फाइव एंड टी सिक्स स्टेट, द एग्जाम्पल ऑफ सच इंस्ट्रक्शन आर डी सी एक्स एच, पी सी एच एल, एस पी एच एल, आई एन एक्स बी। ये कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जो एग्जाम्पल है जिनमें टी फाइव और टी सिक्स स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है हमारा मेमोरी रीड मशीन साइकिल। मेमोरी रीड मशीन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे ना, अभी तक ऑपकोड फेच की बात कर रहे थे, आप मेमोरी रीड मशीन साइकिल की करेंगे। मेमोरी रीड मशीन साइकिल में आपकी कितनी टी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तीन टी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट होगी हमारे यहाँ पर। मेमोरी रीड मशीन साइकिल इज परफॉर्म्ड व्हेन डाटा बाइट अदर देन ऑपकोड इज टू बी रीड फ्रॉम द मेमोरी। क्या कह रहा है, मेमोरी रीड मशीन साइकिल परफॉर्म होगी जब डाटा बाइट अदर देन ऑपकोड इज टू बी रीड फ्रॉम द मेमोरी। अगर मेमोरी से कोई भी डाटा आप रीड करने जा रहे हो किसके, अदर देन ऑपकोड, तब आपकी मशीन साइकिल परफॉर्म होगी। टाइमिंग डायग्राम ऑफ मेमोरी रीड मशीन साइकिल इज शोन इन द फिगर 7.12। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये मेमोरी रीड देखेंगे, तीन टी स्टेट होंगी टी वन टी टू टी थ्री, क्लॉक बना देंगे। सबसे पहले हाई ऑर्डर एड्रेस बस आएगी, टी वन से स्टार्ट होगी टी फोर तक जाती है, इसलिए यहाँ पर कट लगा हुआ है। ए डी जीरो टू ए डी सेवन ये आपकी एड्रेस बस डाटा बस है, लोअर एड्रेस बस, लोअर एड्रेस बस टी वन पर रहेगी आपकी, टी वन के खत्म होते ये भी खत्म हो जाएगी। दूसरी रहेगी ये वाली डाटा बस रहेगी, डाटा फ्रॉम मेमोरी रीड कर रहे हो कि राइट कर रहे हो वो डिपेंड करेगा, रीड कर रहे हो यहाँ पर मेमोरी रीड है तो रीड का टी टू टी थ्री पूरा कंप्लीट रहेगा। ए एल ई टी वन पर हाई रहेगा, फिर उसके बाद एक्टिव लो हो जाएगा। आई ओ एम बार एस जीरो एस वन ये क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, वहाँ पर जीरो दोनों वन थे ये वन जीरो हो गया, अगर यही राइट हो जाता तो ये जीरो हो जाता ये वन हो जाता, आई ओ एम बार ये आपका जीरो ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर मेमोरी की रिगार्डिंग बात हो रही है। क्लियर है, ये मेमोरी रीड मशीन साइकिल थी। मेमोरी रीड मशीन साइकिल इज सिमिलर टू द ऑपकोड फेच मशीन साइकिल, इन बोथ द मशीन साइकिल द माइक्रोप्रोसेसर रीड द मेमोरी, द इन ऑपकोड फेच मेमोरी कंटेंट आर ट्रीटेड एट द ऑपकोड, वेयर इज इन द मेमोरी रीड मेमोरी कंटेंट आर ट्रीटेड एज सिंपल डाटा, देयर ओनली टू डिफरेंस इन ऑपकोड फेच एंड मशीन मेमोरी रीड टाइमिंग डायग्राम। दो डिफरेंस है, पहला डिफरेंस है मेमोरी रीड साइकिल यूज ओनली टी वन टू टी थ्री स्टेट, टी फोर स्टेट इज नॉट यूज बिकॉज देर इज नो नीड टू फाइंड द मीनिंग ऑफ डाटा रीड फ्रॉम द मेमोरी। यहाँ पर टी फोर स्टेट का कोई भी यूज नहीं है क्योंकि देर इज नो नीड टू फाइंड द मीनिंग ऑफ डाटा, डाटा का क्या मतलब है, क्या करना है क्या नहीं, डाटा में क्या है उसका कोई मतलब नहीं। द स्टेटस सिग्नल एस जीरो एस वन वन जीरो रेदर देन वन वन, दीज स्टेटस सिग्नल आर यूज बाई माइक्रोप्रोसेसर टू डिफरेंटिएट द मशीन साइकिल। ये स्टेटस सिग्नल है जो माइक्रोप्रोसेसर आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी मशीन साइकिल एग्जीक्यूट हो रही है। मेमोरी राइट, मेमोरी राइट में भी आपका क्या होगा, मेमोरी राइट मशीन साइकिल इज परफॉर्म व्हेन डाटा इज टू बी रिटर्न इनटू द मेमोरी, जब आप कोई भी एक्यूमुलेटर से या किसी भी रजिस्टर से डाटा किसी मेमोरी पे आप राइट कर रहे हो तब आपकी मेमोरी राइट मशीन साइकिल की रिक्वायरमेंट होगी और उसमें तीन टी स्टेट होंगी टी वन टी टू टी थ्री, क्लॉक बना दोगे टी वन टी टू टी थ्री, हाई ऑर्डर एड्रेस बस सबसे पहले टी वन से स्टार्ट होगी टी फोर तक जाती है इसलिए कट लग गया, लोअर एड्रेस बस और डाटा बस यहाँ पर होगी, टी वन पर आपकी लोअर एड्रेस बस होगी, टी टू टी थ्री पर आपकी क्या होगी डाटा बस होगी, ए एल ई एड्रेस इनेबल पिन होती है जो डी मल्टीप्लेक्स करती है किसको, लोअर एड्रेस बस और डाटा बस को जो मल्टीप्लेक्स हैं, शुरू के टी वन पर ये हाई रहेगी उसके बाद ये जो है लो हो जाती है, आई ओ एम बार एस जीरो एस वन ये आपका यहाँ से टी वन से स्टार्ट होता है टी फोर तक जाता है, यहाँ पर आई ओ एम बार जीरो रहेगा, एस वन जीरो हो गया और एस जीरो वन हो गया। राइट बार है तो आपका यहाँ पर राइट वाला टी टू और टी थ्री पर जो है राइट वाला सिग्नल रहेगा। तो मेमोरी राइट मशीन साइकिल, द मेमोरी राइट मशीन साइकिल इज आल्सो ऑफ टी थ्री टी स्टेट सिमिलर टू मेमोरी रीड मशीन साइकिल।
The memory write cycle used only T1 to T3. The difference between two machine cycle is write bar control signal is used to memory write signal instead of read signal used in the memory read cycle. जो memory read cycle का हमने ऊपर वाला example लिया था उसमें यहाँ पर क्या था, read bar का वो signal था, यहाँ पर हमारा write bar का ये difference है. It is important to note that in the T2 state of the memory write cycle, the microprocessor places data on the data bus and then send write bar signal to the write data from data bus to specified memory location. अब वो क्या कह रहा है, वहाँ पर जब read कर रहे थे तो यहाँ पर ये इससे उठा करके data bus पे ये वाला ऐसे ऊपर की तरफ है होता है, इसमें ये नीचे की तरफ है, ये डिफरेंस है दोनों में. यहाँ पर राइट कर रहे हैं हम डाटा तो वहाँ से उठा कर यहाँ पर कर रहे हैं डाटा बस के थ्रू. अदर डिफरेंस बिटवीन मेमोरी रीड मेमोरी राइट मशीन साइकिल इज स्टेटस सिग्नल. स्टेटस सिग्नल का डिफरेंस है वो भी किसमें, S0 और S1 में. अब इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल, अब इनपुट आउटपुट रीड मशीन साइकिल किसी भी पेरिफेरल से हम जो है रिक्वायरमेंट हो सकती है कि रीड करें हम उस पर या राइट करें हम. तो दिस साइकिल इज यूज बाई माइक्रोप्रोसेसर टू रीड द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन इन इनपुट पोर्ट थ्रू डाटा बस. एट द एड्रेस ऑफ पोर्ट इज ऑफ 8-bit लोअर एंड हायर ऑर्डर एड्रेस बस हैव द सेम पोर्ट एड्रेस. इट मीन्स माइक्रोप्रोसेसर कॉपी द 8-bit एड्रेस टू द लो ऑर्डर एड्रेस बस A0 टू A7 एज वेल एज टू हाई ऑर्डर एड्रेस बस A8 टू A15. अब एड्रेस जो पोर्ट का होगा वो 8-bit का होगा, लोअर ऑर्डर एड्रेस बस भी हो सकता है और या हायर ऑर्डर एड्रेस बस पर भी सेम पोर्ट पर जो है एड्रेस होंगे तो वो ऊपर वाले पे हायर ऑर्डर पे भी कर सकता है, लोअर ऑर्डर पर भी कर सकता है. तो इसका टाइमिंग डायग्राम क्या होगा, 3 T-states होंगे यहाँ पर भी, T1 T2 T3 क्लॉक बनी होगी. क्लॉक बना दोगे 3 क्लॉक बनेंगी. पहली आएगी आपकी हाई ऑर्डर एड्रेस बस A8 to 15, तो ये आपकी जो इनपुट आउटपुट एड्रेस बस है वो T1 पर हाई हो जाएगी और ये T3 T4 तक जाती है बेसिकली, तो यहीं पर कट लग गया. फिर आ गया आपका लो ऑर्डर एड्रेस बस, लो ऑर्डर एड्रेस बस आपने यहाँ पर बना दी इनपुट आउटपुट एड्रेस बस लोअर, ये बना दी इसको, तो इसमें क्या करा T1 पर रहेगी, T2 पर आपका डाटा आ जाएगा जहाँ से भी आप माइक्रो प्रोसेसर से ले रहे हो. ALE T1 पर हाई रहेगी फिर लो रहेगी, IOM bar S0 ये आपका यहाँ पर रहेगा. अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, इनपुट आउटपुट राइट की. जब इनपुट आउटपुट राइट की बात हो रही है तो इनपुट आउटपुट पर ये वैल्यू 1 हो गई, अब तक ये 0 होती थी, तो इनपुट आउटपुट राइट या रीड दोनों केस में ये वैल्यू 1 रहेगी. इनपुट आउटपुट पोर्ट की बात हो रही है तो S1 यहाँ पर 0 और वहाँ पर S0 1 है मेमोरी राइट के केस में. तो यहाँ पर क्या हुआ, सिंस द पोर्ट एड्रेस इज 8-bit इट विल बी कॉपीड टू बोथ हायर ऑर्डर एंड लोअर ऑर्डर. द ऑपरेशन इज रिलेटेड टू इनपुट आउटपुट इंस्टेड ऑफ मेमोरी. द स्टेटस सिग्नल IOM bar 1 रादर देन 0, वो जो डिफरेंस थे वो लिखे. एग्जाम्पल लेते हैं उसके बाद में सेशन अभी क्लोज करेंगे, फिर बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. एग्जाम्पल 7.2, ड्रॉ टाइमिंग डायग्राम फॉर द इंस्ट्रक्शन मूव A, C एंड एक्सप्लेन हाउ द इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड. ये कह रहा है कि टाइमिंग डायग्राम को आपको ड्रॉ करना है, इंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है मूव A, C, एक्सप्लेन हाउ द इंस्ट्रक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड और एक्सप्लेन करो कैसे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी. मूव A, C क्या है, आपकी इंस्ट्रक्शन है. नंबर ऑफ बाइट रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन, इसको स्टोर करने के लिए कितनी इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, 1 byte की इंस्ट्रक्शन है, 1 byte ही चाहिए इसको स्टोर करने के लिए. एंड द रीड साइकिल ऑफ द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स ओनली 1 machine cycle दैट इज द ऑपकोड फेच. तो यहाँ पर एक ही रीड साइकिल होगी इंस्ट्रक्शन की रीड करने के लिए और उसमें एक मशीन साइकिल चाहिए और वो मशीन साइकिल क्या होगी, आपकी ऑपकोड फेच मशीन साइकिल होगी और ऑपकोड फेच मशीन साइकिल में क्या होंगी, 4 T-states होंगी. नाउ द मीनिंग ऑफ द गिवन इंस्ट्रक्शन इज टू कॉपी द कंटेंट ऑफ रजिस्टर C टू द एक्यूमुलेटर. दिस इज एन इंटरनल ऑपरेशन ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर. दिस डज नॉट नीड एनी मेमोरी और इनपुट आउटपुट रिलेटेड ऑपरेशन. इट मीन्स देर इज नो एग्जीक्यूशन साइकिल नीडेड. अब ये कह रहा है कि यहाँ पर इंटरनल ऑपरेशन हो रहा है, सी से ए में जा रहा है डाटा, तो यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल मेमोरी या इनपुट आउटपुट पोर्ट की बात नहीं हो रही, तो यहाँ पर एडिशनल एग्जीक्यूशन साइकिल की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, सिर्फ ऑपकोड फेच की, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी. तो टाइमिंग डायग्राम क्या होगा, ऑपकोड फेच का होगा, T1 T2 T3 T4 होगा, क्लॉक बना देंगे हाई ऑर्डर एड्रेस बस T4 पर नहीं होगी, T3 के एंड तक चलेगी और ये यहाँ पर आपका क्या आ गया T1 किस में, लोअर एड्रेस बस में, डाटा बस था, डाटा बस में रीड कर रहे हैं तो नीचे से आएगा रीड बार, ALE हाई होगा T1 पर और IOM bar का पता ही आपको, मेमोरी है तो 0 और ये दोनों 1 बन रहेंगे ऑपकोड फेच मशीन साइकिल का मूव A, C.
ये आपका जो है इसने फिर स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बोला है कि कहाँ पर कौन सा सिग्नल एक्टिव लो होगा, कौन सा एक्टिव हाई होगा, वो एक्सप्लेनेशन दे दोगे स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट एग्जांपल एक और देख लेते हैं। ड्रॉ द टाइमिंग डायग्राम फॉर द इंस्ट्रक्शन एम वी आई ए कोमा टू एफ एच। तो यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है एम वी आई ए कोमा टू एफ एच, इसका टाइमिंग डायग्राम बना। अब इसको टाइमिंग डायग्राम बनाने के लिए वही नंबर ऑफ मशीन साइकिल कितनी चाहिए, तो मशीन साइकिल कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ बाइट रिक्वायर्ड टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन, इसको स्टोर करने के लिए कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन की जरूरत होगी, या कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है वो पता कर लो। तो कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, टू बाइट की, एक ये ऑप कोड है और एक इसको टू एफ को स्टोर करने के लिए। तो दो मशीन बाइट है तो टू मशीन साइकिल रिक्वायर्ड है। आउट ऑफ दीज टू फर्स्ट विल बी द ऑप कोड फेच एंड रिमेनिंग वन विल बी द मेमोरी रीड। दूसरी क्या होगी, मेमोरी रीड होगी किसकी, टू एफ की। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि देयर द मीनिंग ऑफ द गिवन इंस्ट्रक्शन इज टू कॉपी द इमीडिएट डाटा टू एफ टू द एक्यूमुलेटर, टू एफ एक्यूमुलेटर में मूव हो रहा है। तो देयर इज नो ऑपरेशन रिलेटेड टू मेमोरी और इनपुट आउटपुट, डायरेक्टली इमीडिएटली डाटा है उठा करके एक्यूमुलेटर में रख दे, किसी मेमोरी का और इनपुट आउटपुट पोर्ट का कोई मतलब ही नहीं कहीं से कहीं तक। तो यहाँ पर देयर इज द एग्जीक्यूशन साइकिल ऑफ इंस्ट्रक्शन डज नॉट नीड एनी एडिशनल मशीन साइकिल, तो कोई भी एडिशनल मशीन साइकिल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में क्या चाहिए आपको, ऑपकोड फेच प्लस मेमोरी रीड प्लस कुछ नहीं चाहिए। एग्जीक्यूशन कहाँ से हो जाएगा, मेमोरी रीड से, और रीड कहाँ से हो जाएगा, ऑपकोड फेच, ऑपकोड फेच 40 है, मेमोरी रीड आपका 3D है, तो आपका टोटल हो गया 70 स्टेट्स। तो टोटल स्टेट्स यहाँ पर हमारी कितनी है, 70 स्टेट्स है। हैंस द टाइमिंग डायग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन एम वी आई ए कोमा टू एफ विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपकोड फेच एंड मेमोरी रीड मशीन साइकिल। तो ये इसने पहले क्या करा कि कुछ एक प्रोग्राम उसकी इंस्ट्रक्शन लिखी एक्सकोड और ये क्या कमेंट है वो लिख दिया, अब इसका टाइमिंग डायग्राम बना दिया। टाइमिंग डायग्राम के लिए ऑपकोड फेच T1 T2 T3 T4, मेमोरी रीड जो एग्जीक्यूशन होगा T1 T2 T3, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट यहाँ होगी ना, तो क्लॉक बना दी हर T1 T2 T3 T4 4 और 3 7 बना दी यहाँ पर क्लॉक। अब हायर ऑर्डर एड्रेस बस T1 पर स्टार्ट हुआ, T3 के एंड में जाकर के T4 से पहले ये खत्म हो गया, अनस्पेसिफाइड रहेगा, T1 पर फिर शुरू हो जाएगा, T3 एंड में फिर चला जाएगा। लो ऑर्डर एड्रेस बस कहाँ पर आएगी आपकी, T1 पर आएगी, यहाँ पर भी T1 पर आएगी, दोनों जगह आएगी। अब डाटा या ऑपकोड फेच जो भी हो रहा है, रीड हो रहा है यहाँ पर, वो भी रीड कर रहा है, ये भी रीड कर रहा है, तो T2 T3 पर रहेगा आपका डाटा बस। और यहाँ पर क्या होगा, ऑपकोड लिख दोगे क्योंकि ऑपकोड फेच हो रहा है, यहाँ पर डाटा रीड हो रहा है तो डाटा 2F लिख दोगे। यहाँ पर ALE, ये क्या होगा, यहाँ पर यही था ALE, T1 पर हाई रहेगा, जीरो हो जाएगा, फिर T1 पर फिर हाई हो जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि दो सिग्नल को, ये IOM बार ये स्टेटस सिग्नल हो गया, ये भी स्टेटस सिग्नल हो गया, दोनों जीरो रहेंगे, 1-1 है, यहाँ पर ये 0-1 हो जाएगा, रीड बार जो है आपका T2 T3 पर रहेगा, T2 T3 पर रहेगा। कुल मिला के बात यह है कि ऑपकोड फेच और मेमोरी रीड जो प्रीवियस क्वेश्चन थे या पहले हमने पढ़े हैं, उन दोनों के जो टाइमिंग डायग्राम बनाए थे उन दोनों टाइमिंग डायग्राम को मर्ज कर दिया गया यहाँ पर, और कुछ नहीं किया। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ड्रॉ द एंड एक्सप्लेन द टाइमिंग डायग्राम फॉर द इंस्ट्रक्शन एम वी आई एम कोमा 7AH। अब एम कोमा 7AH का मतलब क्या हुआ कि मेमोरी की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, मतलब 7A किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर जा करके सेव हो जाए, और वो मेमोरी लोकेशन कहाँ पर है, वो पॉइंटेड बाय द HL रजिस्टर पेयर। मतलब HL रजिस्टर पेयर में जो भी आपका मेमोरी लोकेशन लिखी हुई है, उस मेमोरी लोकेशन पर डाटा कॉपी हो जाए 7AH इमीडिएटली। ये एम वी आई से एम कोमा 7AH का मतलब है। मतलब फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लिया हमने HL में आपका 7060 था, तो 7060H यहाँ पर कोई मेमोरी लोकेशन है, उस मेमोरी लोकेशन पर डाटा कॉपी हो जाए क्या 7AH। अब नंबर ऑफ बाइट रिक्वायर्ड कितनी है इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, 2 बाइट रिक्वायर्ड है। बट यहाँ पर बात क्या हो रही है मेमोरी की, जब मेमोरी की बात हो रही है तो यहाँ पर एडिशनल एग्जीक्यूशन साइकिल रिक्वायर्ड होगी, वो क्या होगी, हैंस द रीड साइकिल ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू मशीन साइकिल, फर्स्ट विल बी द ऑपकोड फेच मशीन साइकिल, रिमेनिंग वन विल बी द मेमोरी रीड। द मीनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन इज टू स्टोर द डाटा 7AH इनटू द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द HL रजिस्टर पेयर। दिस इज द मेमोरी रिलेटेड राइटिंग ऑपरेशन। मैंने अभी कहा कि मेमोरी रिलेटेड राइटिंग ऑपरेशन है, तो हैंस एग्जीक्यूशन साइकिल ऑफ द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड वन एडिशनल मशीन साइकिल दैट इज द मेमोरी राइट। अब एक मेमोरी राइट के लिए भी इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, मशीन साइकिल चाहिए, तो ऑपकोड फेच हो गया, मेमोरी रीड हो गया और मेमोरी राइट हो गया। अब मेमोरी रीड क्या करेगा, तभी तो करेगा जब यहाँ पर कुछ राइट होगा, तो 40 प्लस 3T प्लस 3T तो 10T हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर तीनों का कंबाइन करके आप ये टाइमिंग डायग्राम बनाओगे, ऑपकोड फेच, मेमोरी रीड, मेमोरी रीड। ठीक है भाई, अब ये यहाँ पर क्या कर रहे हो आप,
T1, T2, T3, T4 तीनों को मर्ज कर दो। तीनों को क्या करोगे, मर्ज कर दोगे। तो ये यहाँ पर ये रीड नहीं है, सॉरी ये गलत है, यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो ये रीड की जगह क्या होगा, राइट ऑपरेशन होगा। तो रीड वाला कहाँ कहाँ पर होगा आपका, जब ओपकोड फेच होगा मेमोरी रीड होगे, मेमोरी राइट पर क्या होगा, राइट वाला होगा। और ये राइट वाला ओपकोड फेच और मेमोरी रीड पर लो नहीं होगा। एल ही तीनों में होगा, जी टी वन पर होगा। और ये डाटा बस है आपकी, और डाटा बस यहाँ पर जो है 36H आ गया, यहाँ पर 7AH आ गया, और ये डाटा 7AH ही आपका यहाँ से लेकर के यहाँ पर जाएगा मेमोरी में राइट। पहले मैं उसको मेमोरी रीड करेगी, फिर उसको मेमोरी पर राइट करेंगे, सीधा सा फंडा है। क्लियर है मेरी बात। ये कुछ एग्जांपल से एक एग्जांपल और ले लेते हैं, IN01H। लेट द इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन द मेमोरी एट द एड्रेस 7020 एंड 7021H। अब ये इंस्ट्रक्शन कुछ दी हुई है, और मतलब कह रहा है कि एक इंस्ट्रक्शन इन 01 दे दिया, टाइमिंग डायग्राम इसका बनाना था। तो अब हमने करा कि इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है, फॉर एग्जांपल हमने मेमोरी एड्रेस ले लिया 7020 7021 पर ले लिया कुछ करके। अब इन 01 का मतलब क्या है कि रीड द डाटा बाइट फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस, को इनपुट आउटपुट डिवाइस है वहाँ से क्या पोर्ट एड्रेस 01 दिया हुआ है, और कॉपी कर दो उसको एक्यूमुलेटर में। तो यहाँ पर ये 2 byte की इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बाइट रिक्वायर्ड कितनी हुई, 2 byte की है। तो 2 machine cycle होंगी इसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट विल बी द ओपकोड फेच होगा, दूसरा आपकी क्या होगी, मेमोरी रीड होगी। बट यहाँ पर हो गया रहा वो, देखो द मीनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन इज टू रीड द डाटा बाइट फ्रॉम इनपुट आउटपुट डिवाइस विद द पोर्ट एड्रेस, कुछ दिया हुआ 01H एंड द कॉपी टू एक्यूमुलेटर। दिस इज इनपुट आउटपुट रिलेटेड रीडिंग ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट पोर्ट से रिलेटेड ऑपरेशन है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड 1 additional machine cycle रिक्वायर्ड होगी इनपुट आउटपुट रीड की। तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट रीड कर दिया। अब यहाँ पर टोटल 10 T state हैं, वही 10 T state के लिए बना दोगे। डिफरेंस कहाँ आएगा, डिफरेंस यहाँ पर आएगा। क्या डिफरेंस आएगा, जो आपका स्टेटस सिग्नल है उनमें चेंज आएगा। जो आपका रीड है, तो तीनों रीड है यहाँ पर, तो रीड 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 नीचे हो जाएगा, राइट वाला नहीं बनेगा। डाटा बस यहाँ पर आपकी ये रहेगी ओपकोड को फेच करने के लिए। यहाँ पर आपकी जो है मेमोरी रीड, किसको रीड कर रहे हो, 01 को कर रहे हो, फिर उसका जो डाटा है वो यहाँ पर गया। इस तरीके से आप देखते चले जाओगे, ठीक है। बड़ा सिंपल सा तरीका है। नाउ आउट 05 में भी क्या होगा भाई, 2 byte की इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट आपकी जो है वो क्या होगी, ओपकोड फेच होगी, दूसरी आपकी क्या होगी, मेमोरी रीड होगी। एग्जीक्यूशन साइकिल क्या चाहिए इसमें, क्यों चाहिए, चाहिए बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा है। तो इनपुट आउटपुट राइट के लिए चाहिए, वहाँ पर इनपुट आउटपुट रीड था इनके केस में, या इनपुट आउटपुट राइट होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसमें, और इसमें ये डिफरेंस आएगा कि यहाँ पर एक राइट सिग्नल हो जाएगा, यहाँ पर रीड पर नहीं आएगा, यहाँ पर राइट पर आ जाएगा। ये इस एग्जाम्पल का हो गया। नेक्स्ट इज द टाइमर्स, एंड नाउ वी विल डिस्कस इट नेक्स्ट लेक्चर ऑन अबाउट द टाइमर्स एंड ऑल थिंग्स।